नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूँ रूबी नेगी और वक्त हो चुका है दोपहर की फटाफट खबरों का। इस न्यूज बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आए हैं, बिजली गुल मामले में पाक ने भारत पर फोड़ा ठीकरा, गुपकार गठबंधन के एक वरिष्ठ नेता की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा देश को 500 बिजनेस घरानों की जरूरत, अप्रैल में होंगे 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, नीतीश ने फिर साधा भाजपा पर निशाना। इसके अलावा और भी कई काम की खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसीलिए इस न्यूज बुलेटिन को अंत तक जरूर देखिए, हमारे चैनल मोबाइल न्यूज 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो बेल आइकन की घंटी है उसे भी दबा दीजिए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान के बड़बोले मंत्री शेख रशीद ने बिजली गुम मामले में भारत पर फोड़ा ठीकरा, कहा भारत में हो रहे किसान आंदोलन से ध्यान हटाने के लिए शनिवार को पूरे दिन काटी गई थी पाक की बिजली। चीन ने हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत 50 से ज्यादा नेताओं और कार्यकर्ताओं को किया गिरफ्तार, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने की चीन की निंदा। बर्फ से ढके पश्चिमी हिमालय की ओर से चलने वाली सर्द हवाओं के कारण राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का गिरा पारा, न्यूनतम तापमान गिरकर 7.8 डिग्री सेल्सियस किया गया है दर्ज। जम्मू कश्मीर डीसीसी चुनाव में बने विपक्षी दलों के गुपकार गठबंधन में पड़ने लगी है दरार, इस बीच गुपकार गठबंधन के एक वरिष्ठ नेता की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है खबर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भंडारा जिला अस्पताल का किया दौरा, 10 नवजात बच्चों में मामले में दिखे सख्त कार्रवाई के आदेश, कहा दोषियों पर होगी कठोर कार्रवाई। बिहार चुनाव में कम सीटें जीतने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इशारों में भाजपा पर साधा निशाना, कहा चुनाव के समय दोस्त और दुश्मन को पहचानने में हुई भूल। कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने देश में क्रोनी कैपिटलिज्म को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि सरकार को ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जहां हर किसी से एक समान व्यवहार हो, क्योंकि देश को 500 बिजनेस घरानों की जरूरत है। खबर है कि निर्वाचन आयोग फरवरी में पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में होने वाली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक आयोग मई में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए समय से पहले अप्रैल तक इन राज्यों में चुनाव कराना चाहता है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी को कुछ निजी कंपनियों की कथित संलिप्तता के मामले में ईडी ने तलब किया है। अदालत ने इस मामले में समन भेजकर रेड्डी और उनके कुछ अधिकारियों को 11 जनवरी को पेश होने का आदेश दिया है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने महिलाओं और बुजुर्गों को नए साल में खास तोहफा दिया है। दरअसल उन्होंने महिलाओं और बुजुर्गों के लिए 25 खास बसें चलाई है जिनमें वे मुफ्त सफर कर सकेंगे। इंडोनेशिया में विमान मामले में बचाव दल ने जावा सागर से निकाले शरीर और कपड़ों के चीथड़े। यूपी में नियम विरुद्ध प्रमोशन पाने वालों पर गिरी योगी सरकार की गाज, अधिकारियों से बनाए गए चपरासी और चौकीदार बता दें कि जिला सूचना कार्यालय में कार्यरत कर्मियों को 3 नवंबर 2014 को नियम विरुद्ध पदोन्नति की गई थी। सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने अपने देश और भारत के बीच लोगों के मुक्त आवागमन के लिए शनिवार को एक प्रस्ताव दिया, साथ ही उन्होंने द्विपक्षीय व्यापार एवं सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने का भी समर्थन किया। गुजरात के राजकोट में एक बैंक ने ग्राहक के अकाउंट से रुपए काटे तो ग्राहक तकिया गद्दा लेकर बैंक की ब्रांच में ही धरने पर बैठ गया। इस अनोखे विरोध प्रदर्शन से घबराए बैंक ने 24 घंटे में ही पैसा खाते में वापस जमा कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ट्विटर पर टिप्पणी करने को लेकर गो एयर के एक वरिष्ठ पायलट को कर दिया है बर्खास्त। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एक सभा में सीमेंट और स्टील इंडस्ट्रीज पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि सीमेंट और स्टील इंडस्ट्रीज के एक मोनोपोली है, हर स्टील कंपनी की अपनी आयरन ओर माइन है और श्रम और बिजली की लागत में कोई वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन वे दामों में वृद्धि कर रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोरोना के वैक्सीन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि उनके राज्य में लोगों को कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी। बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन ने उम्मीद जताई है कि वह 2021 में नताशा दलाल से शादी कर लेंगे। आपको बता दें कि पिछले काफी समय से वरुण धवन और उनकी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड नताशा दलाल की शादी के कयास लगाए जा रहे थे।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन यानी कि आज कुछ मिनटों के लिए रुका खेल। दर्शकों ने कहे सिराज बुमराह को अपशब्द, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मांगी माफी, कहा एक्शन लेंगे। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन आज मना रहे हैं अपना 46वां जन्मदिन। उनके फैंस सहित कई बॉलीवुड एक्टर ने दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। तो ये थी दोपहर की फटाफट खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही दिए गए बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिए, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।